तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आर्ट स्टोर जाएंगे, आपको दिखाते हैं मुंबई का सबसे बड़ा आर्ट स्टोर, कहाँ से आप आर्ट के सभी सामान ले सकते हो। एक्सरसाइज के लिए जरूरी है कि सीढ़ी लो। तो अभी हम मुंबई के आर्ट लॉन्च स्टोर में हैं, बहुत अच्छा वैरायटीज है यहाँ पे आर्ट मटेरियल्स के। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विंसर न्यूटन की ऑयल कलर से। यस, तो ये एक्स्ट्रा फाइन क्वालिटी है एंड विंसर न्यूटन कंपनी है फ्रांस से। दिस इज आर्टिस्ट क्वालिटी, दिस इज फाइन क्वालिटी व्हिच इज कॉल्ड विंटन। ओके, then this is artist quality and winter is higher quality. No, winter is a fine quality. Fine quality. And this is higher fine quality. Okay. Then yeah. Price में क्या differ होता है दोनों में लगभग? So if you go for this one 37 ml which is for 285. Okay. अगर आप इसमें बड़ा ट्यूब लेते हैं जो कि 200 ml का होता है तो वो आपको 1075 में आएगा। ओके, ऑल कलर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। और यहाँ पे आपको सीरीज वाइज जाना होगा, यानी अगर आप सीरीज वन से बिलोंग कलर लेते हैं तो वो 645 में आता है और प्राइस बढ़ते जाता है जैसे सीरीज बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल, सीरीज वन फॉर 645, सीरीज टू फॉर 805, सीरीज फॉर 1895, देन सीरीज फाइव इट्स फॉर 3100, यानी ये जाता है 3550 तक। ओके, सीरीज के बढ़ते बढ़ते के अनुसार उसका वैसी है सर। ओके, ओके, थैंक यू। उसके बाद हम फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रोफेशनल एक्रेलिक कलर पे। तो यहाँ पे भी सेम चीज लागू होती है जैसे कि वहाँ पे था, यहाँ पे गैलेरिया जो कि बिगिनर के लिए और फाइन बोल सकते हो जो आर्टिस्ट भी यूज करते हैं। गैलेरिया, गैलेरिया, यस। फिर दूसरा है प्रोफेशनल एक्रेलिक कलर जिसमें सेम चीज अप्लाई होता है एज अ सीरीज। इट स्टार्टेड फ्रॉम सीरीज वन विच इज 1495, आप देख सकते हैं, एंड इट्स गोइंग टू लाइक सीरीज फोर एंड विच इज फॉर 3440। ओके, सीरीज जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसकी क्वालिटी बढ़ती है, उसके पास उसका रेट भी बढ़ता है। ये 200 ml के प्राइस से, और अगर आप यहाँ पे 60 ml ट्यूब जाते हैं जो कि ये है, तो ये आपको 1555 सीरीज फाइव का होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 615। ओके, ऐसे होता है, यस। उसके बाद है, नाउ दिस इज द बिगर 500 ml, जो लोग बड़े में काम करते हैं उनको ये ज्यादा सस्ता पड़ता है, तो 500 लेना इट्स द बेस्ट। और ये सेम फाइन क्वालिटी में है 500 ml, लाइक आई गैलेरिया, सेम गैलेरिया, इसमें आपको 200 ml आता है बड़े में। एंड देन दीज आर द मीडियम प्रोफेशनल एक्रेलिक मीडियम्स है, जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको मीडियम यूज करना होता है। जैसे कि ये ग्लॉस वार्निश है, यानी कि आपका पेंटिंग होने के बाद आपको ये ग्लॉस वार्निश डालना होता है आफ्टर द पेंटिंग, इट्स कॉल्ड एज अ प्रोटेक्शन, तो लोग इसे यूज करते हैं। ओके, फिर इसमें दो चीजें आती है, एक ग्लॉस है, ये मैट है, मतलब अगर किसी को मैट इफेक्ट अच्छा लगता है तो वो मैट यूज कर सकता है। ओके, एंड वैसे इसमें और भी चीजें हैं, जैसे इसमें ग्लेजिंग मीडियम है, ये ग्लेज इफेक्ट देने के लिए ग्लॉस मीडियम है, मैट मीडियम है, फिर इसमें टेक्सचर होता है मॉडलिंग पेस्ट, जैसे कि टेक्सचर 3D इफेक्ट देना है तो ये मॉडलिंग पेस्ट यूज करना होता है ऐसा। ओके, यस, चलो, बहुत सारे वैरायटीज अवेलेबल में अवेलेबल है आपको जो जिस रेंज में चाहिए, आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए आपको सब यहाँ पे मिल सकता है आराम से। यस, यस सर। उसके बाद विंसर न्यूटन के वाटर कलर भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होती है, ये फाइन क्वालिटी कॉटमन इट्स कॉल्ड एंड ये एक्स्ट्रा फाइन क्वालिटी प्रोफेशनल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे भी सीरीज अप्लाई होता है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1175 सीरीज फोर तक जाता है और ये 2005 का होता है। ओके, ओके? बेसिकली विंसर न्यूटन में हमेशा दो ग्रेड में डिवाइड है हर चीजें, एक प्रोफेशनल के लिए, एक फाइन क्वालिटी जो स्टूडेंट खासकर यूज करते हैं। तो यहाँ पर कॉटमैन में 8 ml का ट्यूब होता है 220, यानी सेम प्राइस, एंड 21 ml अगर आप जाएंगे, ये 21 ml की ट्यूब है और ये 8 ml की ट्यूब है, तो ये 220 और ये 395, इसमें सब सेम है, इसमें कोई भी सीरीज नहीं है। अगर आपको क्लियरली बताना चाहूँ तो अगर आप प्रोफेशनल में जाते हो तो वहाँ पे सीरीज बिलोंग करता है, बट आप अगर फाइन में जाते हो तो वहाँ पे सीरीज बिलोंग नहीं करता, वहाँ पे इक्वल प्राइस होता है। ओके, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। अगर आप मुंबई में हो
या नहीं हो, ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप ऑनलाइन इनसे सामान डिस्काउंटेड प्राइस में मंगा सकते हो। एंड वीडियो देखने से पहले प्लीज एक बार लाइक बटन हिट कर दो मेरे लिए और इस वीडियो के लिए, एक बार लाइक बटन दबा दो गाइज। एंड सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। डिजाइनर गॉश होता है वाटर कलर और पोस्टर कलर दोनों के बीच का होता है, इट्स कॉल्ड गॉश। थोड़ा सा ओपेक रहता है ये वाटर कलर से, ओपेक होता है। हाँ जी, अच्छा yes. तो आपको जो अगर गॉश मीडियम में अगर काम करते हैं तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे मटेरियल्स हैं। एंड ये कैमलिन के भी यहाँ पे ब्रांड बहुत सारे वेराइटीज हैं, तो मैम एक बार आप इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो हल्का फुल्का। तो यहाँ पे ऑयल कलर होता है, आर्टिस्ट ऑयल कलर, इसमें भी स्टूडेंट आता है बट हम आर्टिस्ट रखते हैं क्योंकि स्टूडेंट भी आजकल आर्टिस्ट लेवल यूज करते हैं। ओके, एंड ये आर्टिस्ट वाटर कलर है कैमल का, और ये एक्रेलिक है कैमल का, ये भी आर्टिस्ट लेवल है। तो आर्टिस्ट लेवल ज्यादा महंगा नहीं है इसलिए इसे स्टूडेंट भी यूज करते हैं। दीज आर फ्रॉम लाना, ये लाना का कलर पेपर है जिसे आप ड्रॉइंग के लिए यानी पेस्टल के लिए, ग्राफाइट के लिए, हर एक चीज के लिए मतलब यूज कर सकते हैं। ओनली ड्राई मीडिया, नॉट वेट मीडिया। एक मैम एक निकाल के आप दिखा देते हैं टेक्सचर, टेक्सचर आप दिखा देते हैं पास से बस। ये देखिए, तो टेक्सचर आप देख सकते हैं काफी स्मूथ है, थोड़ा ग्रेनी होता है, थोड़ा सा ग्रेनी है ताकि आप इजीली अच्छा इफेक्ट आ सके आपकी ड्रॉइंग को, दे सकते हो आप टेक्सचर वगैरह, स्किन वगैरह टेक्सचर आप अच्छे से दे सकते हो। सो दीज आर द कलरफुल पेपर्स एंड यू कैन यूज देम फॉर फाइन क्वालिटी वर्क्स। तो स्ट्रैट मोड में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, जैसे कि वाटर कलर, मिक्स मीडिया यानी आप हर चीज उस पर अप्लाई कर सकते हो, ऑयल को छोड़ के आप सब कुछ कर सकते हो। फिर इसमें मतलब टोन ग्रे और टोन टैन, हाँ मतलब दो अलग अलग आते हैं स्पेशली, तो स्केचिंग के लिए बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड देता है। तो व्हाइट पेंसिल वगैरह भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो चारकोल पेंसिल का काम बहुत ही प्यारा लगता है अगर आप देखेंगे तो। ऊपर एक फोटो दिया हुआ है, देख सकते हो। तो श्रैथमोर की कंपनी में हम जो कमीशन वर्क करते हैं तो वो सब भी उसके लिए सही रहती है श्रैथमोर। बेस्ट, हाँ, यस यस ऑफ कोर्स। फिर हमारा एक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आर्ट लाउंज का खुद का ब्रांड है, इसको बोलते हैं आर्ट एसेंशियल। इसमें आपको ड्राइंग और वाटर कलर, और वाटर कलर में आपको दो वेरायटी मिलता है, एक जो बिगिनर यानी स्टूडेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट का कोई अर्निंग पॉइंट नहीं होता है तो उनके पास ज्यादा स्पेंड करने का भी सवाल नहीं होता है, तो उनके लिए भी हमने पेपर रखा है। ये आर्टिस्ट क्वालिटी है बट ये भी स्टूडेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा महंगा नहीं है, 990 का पैड है ये। अगर आप सेम लेने जाओगे लाना में या फिर आर्चेज में तो डबल होगा, 2000-3000। इसमें कितने शीट्स होते हैं? इसमें एक्चुअली A3 साइज है और इसमें 12 शीट्स। और उसी में ये मैं बता रही थी जो स्टूडेंट लेवल का ये है, स्टूडेंट लेवल का आर्ट एसेंशियल्स, ये आपकी खुद का ब्रांड है। स्टूडियो बोलते हैं इसको और इसको आर्टिस्ट बोलते हैं। और इसमें ये पैड है, मैंने आपको पैड दिखाया है, इसमें लूज शीट्स आती है ऐसे, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ऐसी लूज शीट्स आती है, ये A3 साइज है, इसमें एक A4 आता है, ये A4 है ओके, और A5 का भी आता है सर। A5 तो शीट्स को अगर मान लीजिए किसी को सिंगल पीस या डबल पीस है कुछ लेना है तो वो बड़ा एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। ओके, इंटीरियल और इसमें क्या है कंपलसरी होता है, यानी कि जैसे ये 5 शीट है तो इसका प्राइस है 135। ओके, इसमें अगर आप A4 जाते हो A4 के लिए तो सेम प्राइस होगा लेकिन 10 शीट होगा, और A5 में जाते हो तो 20 शीट होगा, प्राइस सेम होगा। और ये जो है आर्टिस्ट क्वालिटी वो 325 रुपए का है, सेम चीज मिलेगा आपको, 5 शीट A3 में, 10 शीट A4 में और A5 में 20 शीट। ओके, तो ये ज्यादा डिमांडिंग है, मतलब यहाँ पे लोग ये ज्यादा प्रिफर करते हैं। Okay. एक बार आप स्केचबुक को भी GSM वाइज एक बार बता दीजिए। जी मैं बता देती हूँ, मोस्टली ये लाना इट्स अ बेस्ट लाइक अ ब्रांड लाना, ये हमारा मैन्युफैक्चरर जो है वो फ्रांस में है और ये हैना मूले से आता है लाना। ओके, इसमें वाटर कलर का पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, इसमें 3 ग्रेन होते हैं डिफरेंट, इसमें होता है एक हॉट प्रेस यानी बिल्कुल स्मूथ होता है, फिर सेकंड होता है रफ ग्रेन जो कि ज्यादा ग्रेनी होता है, और फिर थर्ड होता है कोल्ड प्रेस, इट्स लाइक अ मीडियम, दोनों का मीडियम होता है। जी, तो लोग ज्यादा प्रीफर जो करते हैं वो है मीडियम ग्रीन या
सो ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अगर आप इसका लोग ज्यादा इंटीरियर में काम करते हैं तो इसका एक शीट 525 का आएगा, और ये आर्चेस के टक्कर का है। आर्चेस अगर आप देखने जाओगे तो 820 रुपए का एक शीट आता है, तो लोग इसका डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। देखिए ना हमारे पास इसकी प्राइस भी आर्चेस के कंपैरिजन में कम है, बहुत कम है, और क्वालिटी लगभग सेम देती है ये। हाँ, आप खुद ट्राई कीजिए, मैं आपको अभी पेपर देती हूँ सैंपल, यू प्लीज हैव अ ट्राई, ट्राई भी करेंगे। इसमें स्केचिंग के पेपर भी आते हैं, इट्स कॉल्ड डिजाइन, सो 150 जीएसएम होता है। हाँ जी, और मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि इसमें जो वाटर कलर मैंने आपको बताया ना, उसमें 300 जीएसएम का पैड में आता है, और अगर आप ब्लू शीट्स में लेने जाते हैं तो इसमें 640 जीएसएम भी आता है। 640 जीएसएम, हाँ, मतलब बहुत हैवी पेपर रहता है। हाँ, जिसको वेट एंड वेट, मतलब बहुत वेट में काम करना होता है, वो 640 जीएसएम अप्लाई कर सकते हैं। तो 640 जीएसएम वो मुड़ते नहीं होंगे फिर, बहुत ज्यादा हैवी वो फोल्ड नहीं होते, फोल्ड नहीं होते। चलो, वो बहुत अच्छी बात है उसकी वाटर कलर की, क्योंकि वाटर कलर देखा जाता है कि वो जब वर्क करते हैं तो थोड़ा फोल्ड हो जाता है, रैप हो जाता है, तो उस चीज से बचने के लिए ये हैवी पेपर बहुत अच्छा है वाटर कलर में। बट वो बहुत रेयर, मतलब कुछ गिने चुने लोग उसे यूज करते हैं, नॉर्मली 300 जीएसएम ही यूज होते हैं। और आप आर्चेस भी देख सकते हो, आर्चेस भी है हमारे पास, आर्चेस में ब्लॉक्स ज्यादा चलते हैं, इसलिए हमारे पास ब्लॉक्स, ये पूरे ब्लॉक्स ही रखे हैं। ओके, देखिए, और इसमें रोल भी आते हैं, 10 मीटर लंबा रोल भी मिलता है, जिनको बड़े में काम करना है वो रोल लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे लाइव स्टडीज भी हैं, तो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी होते हैं आर्ट लॉन्च में, लाइव पोर्ट्रेट हुए हैं, लाइव पोर्ट्रेट, यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बाय मनोज सकले जी, ही इज अ वेरी गुड लाइक अ वाटर ऑयल पेंटर, हाँ, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, हर एक मीडियम में काम करते हैं वो। गायत्री, गायत्री जी वो भी बहुत अच्छा, मतलब तो ये सभी जो आर्टिस्ट है ये प्रोफेशनली वर्क करते हैं ना, दे आर वेरी वेल नोन आर्टिस्ट। ओके, आप मुंबई के बहुत महान महान जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे आके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छा इनका क्वालिटी है, और काफी स्टैंडर्ड शॉप है इनका, तो आप बिना कोई टेंशन के आ सकते हो, बिना कोई क्वालिटी की चिंता किए। एंड मैम, एक बार आप कैनवास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सो ये ब्रांड है काराबाजियो, इटली का है ये, और ये प्योर लिनन है, प्योर लिनन, आपको इस पे कोई प्राइम की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्राइम किया हुआ है, आप डायरेक्ट इस पे पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये 1 मीटर आप ले सकते हो, जो कि आपको हर एक शॉप पे नहीं मिलता है, 3780 का ये 1 मीटर है। ओके, आपको अगर थोड़े से थोड़ा ही जरूरत है तो आप 10 मीटर का रोल क्यों ले जाएंगे, सही बात है। तो आप 1 मीटर यहाँ से खरीद सकते हो। और दूसरा ये है, ये भी आप 1 मीटर, मतलब यहाँ पे जो भी रेंज है वो 5 मीटर में खरीद सकते हो। ओके, तो ये है पॉली प्लस कॉटन, यानी मिक्स है दोनों का, ये 1390 है, इट्स वेरी वैल्यू फॉर मनी। ओके, क्वालिटी बहुत फाइन है, ये जो कैनवस यहाँ पे है बहुत फाइन क्वालिटी के, काफी इंटरनेशनल क्वालिटी के कैनवस है, मेड इन इटली, काराबाजियो, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े एक आर्टिस्ट थे काराबाजियो, और उनके नाम से ये ब्रांड है, तो इटली में बना ये, और इटली में जो भी वर्क, जो भी मटेरियल बनता है वो एकदम हैंडमेड और काफी फाइन क्वालिटी का होता है, तो आप मीटर वाइज ले सकते हो, और ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, एकदम प्रोफेशनल वर्क इसमें किए जाते हैं। तो कैनवस यहाँ पे कैमल के और बाकी ब्रांड्स के भी अवेलेबल हैं, और अगर आपको कोई सा साइज चाहिए तो आप बता सकते हो, ये कस्टम साइज कैनवास भी स्ट्रेच करके देते हैं कस्टमर का जो डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग। और ये ब्रश आप देख लीजिए, ये हमारे आर्ट एसेंशियल आर्ट लाउंज का ही ब्रांड है, ये मॉप ब्रश है, यानी कहीं, मतलब इसका जो वाटर रिटेंशन लेवल है ना वो कहीं ज्यादा अलग, दूसरे जो राउंड ब्रश होते हैं उससे कहीं ज्यादा है, तो इसको कहते हैं मॉप ब्रश। ओके, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हैं, और हाँ, अगर प्राइस की बात करें तो ये 3410 का है। अगर सेम साइज आप जाते हो दूसरे ब्रांड में, जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ एस्कोडा या फिर कोई भी वेल नोन ब्रांड, तो उसका डबल होता है प्राइस, क्योंकि ये हमारा ओन हाउस में बनता है इसलिए ये सस्ता है, बट मेड इन यूरोप है ये, यस। और इसमें सिंथेटिक ब्रश आते हैं, यानी आप इसको हर चीजों में यूज कर सकते हो, वाटर, एक्रेलिक और ऑयल, और यहाँ पे स्पेशली ऑयल के लिए बनते हैं ये, ब्रिसल सेयर बोलते हैं इसको। ओके, सुप्रीमो बोलते हैं इसको, सुप्रीमो, हाँ हाँ। तो ये आर्ट एसेंशियल का ब्रांड होने की वजह से ये सस्ते हैं ब्रश, बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमको आर्टिस्ट के रिव्यू आ रहे हैं, हम तो आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन हमको जो लेकर जाते हैं वो हम, हाँ, यस यस, दे आर वेरी गुड।
जर्मनी का मेड है और ये इससे ही किया गया है। तो आप आ जाइए, मैं आपको उसका पूरा डिस्प्ले दिखा देती हूँ। और ये बहुत हायर डिमांड है यहाँ पे मुंबई में, सीरियसली। ये देखिए अभी कल ही ये पूरा फुल था, अभी कल 60 कैन बिके हुए यहाँ पे। चलो मोंटाना, ओके, गोल्ड। कितने एमएल की रहती है एक इसकी? 400 एमएल का एक है। ओके, और इसकी प्राइस क्या रहती है? 550 ईच है, बट डिपेंड ऑन द परचेज, अगर लोग ज्यादा लेते हैं तो हमारा एक स्लैब होता है डिस्काउंट का, हम डिस्काउंट भी करते हैं। अगर आपको देना है तो वो भी आता है, जैसे एग्जांपल दिस इज ग्रेनाइट इफेक्ट, अगर आपको देना है, यानी अगर आप इसको पेंट करेंगे दीवारों पे तो आपको बिल्कुल ऐसा इफेक्ट देगा जो इसमें दिख रहा है, ठीक है। फिर दूसरा इसमें ऐसे फटा हुआ इफेक्ट, यानी इसको बोलते क्रैकल इफेक्ट, आप ये स्प्रे करोगे तो बिल्कुल ऐसा इफेक्ट आएगा। तो ये इजी है, मतलब आपको किसी और मीडियम की जरूरत ही नहीं है, बस ये काफी डायरेक्टली वो टेक्सचर मिल सकता है। यस यस, दैट्स राइट। सो द अदर वन, एक और भी दिखाना चाहूंगी, ये मार्बल इफेक्ट के लिए, यानी आपको बिल्कुल ऐसा मार्बल इफेक्ट देगा ये। नाइस, या वेरी नाइस। ओके, मिशन विच इज कोरियन में, ये कोरिया की कंपनी है, और यहाँ पर आपको 126 कलर मिलेंगे लूज में, 15 एमएल की एक ट्यूब होती है। ये आर्टिस्ट क्वालिटी है, यानी बहुत ही हाई पिगमेंटेड कलर है। ओके, 15 एमएल की एक ट्यूब है। सीरीज वाइज मतलब प्राइस इसका स्टार्ट होता है 395 से, एंड इट्स गोइंग टू 2125 समथिंग। इसमें ही पैलेट्स आते हैं सर, पैलेट इसमें एयर टाइट आते हैं। तो इसकी खासियत क्या है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको अगर ट्रैवल के टाइम पे पेंटिंग करना है तो ये लेना बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपके कलर एक हफ्ते तक आपके ड्राई नहीं होंगे। यस, और लीक प्रूफ है ये। तो बस जो प्लेन एयर वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यस, इज वेरी वेरी नाइस। तो इसमें आता है स्टार्टिंग 18 से होता है। ओके, 18 का 1045 समथिंग प्राइस होता है, नॉट लाइक नॉट बैड फॉर, एंड दिस इज 1500 1595 विच इज फॉर 24। तो ज्यादा प्रीफर ये करते हैं, बिकॉज इसका खासियत क्या है, इसमें दो आपको बड़े वेल्स मिलते हैं, तो मिक्सिंग वगैरह बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है। ये रिमूवेबल है, यानी आप इसको वॉश कर सकते हो, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज वॉट, इसमें सिर्फ वाटर कलर के ही नहीं, इसमें ऑयल एक्रेलिक के भी पैलेट आते हैं, वो भी मतलब वाटर प्रूफ, नॉट वाटर प्रूफ, इट्स लाइक एयर टाइट होते हैं, आई एम सॉरी। तो एयर टाइट होने का फायदा इसमें ये होता है कि आपके ऑयल एक्रेलिक आप अगर हवे में छोड़ देते हो तो जल्दी से ड्राई हो जाता है, बट उसमें ये नहीं होगा। और इवन एक बार ड्राई भी हो गया तो आपको इसको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलर ड्राई होने के बाद उसको पील कर सकते हैं। पील ऑफ प्रूफ, नो नीड टू वॉश, सो बहुत हैंडी है ये। यस यस, बहुत अच्छे पैलेट की यहाँ पे वैरायटीज हैं। तो इसके कंपनी का क्या नाम बोला? मिशन, यस, मिशन मिजालो, ये कोरियन ब्रांड है। ओके, यस, बहुत ही अच्छे कलर है सर, अगर आप वाटर कलर करते हैं तो प्लीज मैं आपको ट्राई कराना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप वाटर कलर के जो भी आर्टिस्ट अगर आप देख रहे हो तो ये भी आपके पास चॉइस है मिशन का, और ये बहुत अच्छा क्वालिटी है। मैं यहाँ पे भी ट्राई भी करूंगा और फिर आपको समझाऊंगा भी, बहुत पिगमेंट इसके रिच है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो नीट्रम चारकोल के भी चारों शेड्स, सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम एंड एक्स्ट्रा सॉफ्ट, चारों शेड्स अवेलेबल है। हाई क्वालिटी ब्रांड है ये एक, एंड इसके बड़े वाले स्टिक्स भी अवेलेबल हैं, जो बड़े स्केल में काम करते हैं वो बड़े स्टिक ले सकते हैं। एंड इसके पाउडर भी आता है नीट्रम का, जो इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड वगैरह पे, इजीली डार्क करने के लिए एरिया को। ये विंजर एंड न्यूटन की ही कंपनी है, ये कंपनी अल्कोहल बेस्ड मार्कर भी बनाती है, जो लोग कॉपिक के मार्कर्स मांगते हैं। कॉपिक थोड़ी महंगी है, बट ये प्रो मार्कर जो विंजर न्यूटन की है कहीं ज्यादा उससे सस्ती, और इसमें इंक भी 78% ज्यादा होता है। ओके, आप देख सकते हैं इसमें ये सेट्स आते हैं जो डिफरेंट टोन के साथ होते हैं, जैसे कि ये स्किन टोन का सेट है, फिर इसमें पोर्ट्रेट आता है, फिर इसमें ग्रे टोन्स का आता है, पेस्टल टोन आते हैं, आपको दिखा देती हूँ, ये मांगा चीबी है, फिर ये
स्क्रीन टोन सेट है, ये ब्लेंडर के साथ आता है, इसमें ब्लेंडर भी होता है सेट में, और इसमें हम लूज भी बेचते हैं, सिंगल भी आपको मिल जाएगा, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ आप आ जाएंगे। अगर सिंगल पीसेस है आप एक एक पिक कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू बाय होल सेट इफ यू डोंट वांट। एंड ये एक मार्कर का एमआरपी है 225, सो वैल्यू फॉर मनी। अगर आप यही मार्कर कॉपिक में लेते हो तो शायद वो 300 या समथिंग उसका एमआरपी है। आई एम सॉरी, मुझे उसका एग्जैक्टली एमआरपी नहीं पता। कोई बात नहीं, बेसिकली आइडिया मिल गया कि विंसर न्यूटन में क्वालिटी अच्छी के साथ प्राइस लेस प्राइस में वो अच्छी क्वालिटी देते हैं। अभी हम ग्राफाइट पेंसिल्स वगैरह पे आ जाते हैं, यानी मैं पेस्टल से स्टार्ट करती हूँ। ये पेस्टल है कोहिनूर कंपनी का, कोहिनूर ये इंडियन नहीं है, ये बाहर चेक रिपब्लिक की कंपनी है। ओके, तो ये ड्राई पेस्टल है जो आपको सेट में भी मिलेगा और ये लूज में भी मिलेगा, क्योंकि अगर एक सेट आप लेते हैं उसमें से एक सिंगल कलर आपका खत्म होता है तो वापस सेट नहीं लेना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे लूज रखे हैं। चलो बहुत अच्छी चीज है। यस यस, फिर हम यहाँ पे पेंसिल भी आ जाते हैं, ये भी कोहिनूर से बिलोंग करती है, मॉन्डलूज बोलते हैं, यानी ये वाटर सोल्युबल पेंसिल है, 72 कलर है इसमें, और यहाँ पर आती है पॉली कलर, यानी कि ये नॉन वाटर सोल्युबल है, ये ऑयल बेस्ड आप बोल सकते हो, ये ब्लेंड होती है मतलब, लेकिन आप इसको वाटर से वो नहीं कर सकते। ओके, फिर ये आता है पेस्टल, लेकिन ये पेंसिल फॉर्म में है, सेम जो मैंने आपको दिखाया था कंपनी वही है, इसको सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल बोलते हैं, लोगों को ज्यादा इजी रहता है पेंसिल में काम, डिटेलिंग वगैरह में काफी अच्छा यूज हो सकता है। पेंसिल हमें 48 कलर आते हैं इसमें। ओके, फिर ये ग्रे, ओनली ग्रे टोन्स है, जो लोगों को वो अच्छा लगता है ग्रे टोन्स में काम करना उनके लिए ग्रे टोन्स है। यहाँ पे ये जनरल कंपनी का देख सकते हैं, तो इसमें आपको ये वुडलेस ग्राफाइट पेंसिल मिलेगी जो अलग अलग ग्रेड के साथ, ये एच बी है, 2B है, 4B है, 6B है, 8B है, यानी ये अपने अपने ग्रेड को दिखाता है, यानी कि अगर आप HB यूज करेंगे तो वो बहुत लाइट टोन देगा, आप उससे ऊंचा ग्रेड यूज करेंगे तो थोड़ा डार्क देगा और सॉफ्टनेस ज्यादा रहेगा, तो ये चीज वो डिस्क्राइब करता है। ओके, द नेक्स्ट टू दैट ये चारकोल में, चारकोल स्टार्ट होता है यहाँ से, HB, देन 2B, देन 4B और 6B। चारकोल में ये चार वेराइटीज आते हैं, तो सेम चीज वहाँ पे भी अप्लाई होता है, मतलब ये डार्कनेस एंड स्मूथनेस को डिस्क्राइब करता है। इसमें ये ग्राफाइट पेंसिल आती है, इसमें ये चारकोल पेंसिल आती है, व्हाइट चारकोल, फिर इसमें पेस्टल, कुछ रेंज पेस्टल के भी है, ये आप देखेंगे तो ये पेस्टल के रेंज है, मतलब सैंग्विन कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, फिर व्हाइट कलर, फिर ये जो पेंसिल है ये आर्किटेक्ट लोग भी यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि इसका जो शेप है वो ऐसा है, मतलब या सो यू लाइक आर्किटेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं इसे। देन ये जो चारकोल है ये पील ऑफ है, यानी जैसे ही आपका यूज होते जाएगा आपको शार्पन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको खोल देंगे और ये पील होते जाएगा। ओके, तो दैट्स कॉल्ड पील ऑफ चारकोल। हाँ, ये सेंटेंगल पेन है, अभी हमारा स्टॉक बहुत फास्ट मूविंग है इसलिए स्टॉक थोड़ा खत्म हो गया है। ये स्नोमैन का जेंटेंगल पेन है, यानी जो लोग डूडल करते हैं, जो लोग जेंटेंगल वर्क करते हैं वो लोग ये पेन यूज करते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स के साथ आता है, 0.05, यानी बहुत ही पतला पॉइंट होता है, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ये 8 तक आता है, और ये कलर आता है रेड, ग्रीन और ब्लू जी। और ये मार्कर्स है, ये स्नोमैन कंपनी का है, इसको ये जापान का है स्नोमैन, और ये ऑयल बेस मार्कर है, इसमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, एक्स्ट्रा फाइन, फाइन और लाइक अ मीडियम, इसको आप कोई भी सरफेस पे यूज कर सकते हो, जैसे कि मेटल हो गया, ये यहाँ पे सरफेस दिए हैं, कैनवास, वुड, सिरेमिक, प्लास्टिक, पेपर। तो PBO ब्रांड के भी सारे मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने आपको ओवरऑल सारी चीज़ें दिखा दी है। आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्टवर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।